गोपाल छोकर नगला संजय दाऊ जी से, और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर सुनिएगा। तो लिखा मुंबई वालों ने और भैया बोलू कैसे, और हम रात को उठ उठ कर सविस्ता में क्या वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। ये तो कह रहे मुंबई वाले, लेकिन गाने को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इंसान न जाने कहां कहां भटक रहा है। कभी तीर्थ करने के लिए गोवर्धन जा रहा है, कभी वृंदावन जा रहा है, कबो भोले बाबा है पूज रो है, कबो भूमिया बाबा है पूज रो है, कबो हनुमान बाबा है पूज रो है, न जाने कहां कहां भटकता है। और गुरु बना रहे न्यू के में, बिना गुरु के मर जाएंगे, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी, और बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी तो आजकल अब कलयुग चल रहा है, तुम्हें पता है कलयुग के गुरु तो कलयुग के से मिली मिली, और देखो कलयुग के गुरु कितने बढ़िया हैं। आसाराम लियो, रामपाल लियो, राम रहीम लियो, कम से कम आधा सौ भारत चेला हो, बताओ गलत है कि सही है। लेकिन आप जैसे विद्वान कह रहे हैं कि हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भैया हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी को गुरु बनाने की जरूरत है, ना कोई तीर्थ करने की जरूरत है, क्योंकि किले माला रोते हैं और ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, हो ले माला रोते हैं और किस जाप के चरणों में। और अगर लाइन अच्छी लगे तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी, क्योंकि कहा है कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है। किले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, और वो सब तीरथ, हाँ सब तीरथ, वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरंत होते हैं माँ बाप के चरणों में। आज का समय क्या है, ओ है बाप दुखी घर पे, क्या वो है पिता दुखी घर पे और भूखी रोए रही अम्मा। ठेकेदार जी, उदय सिंह ठेकेदार जी भवनपुरा वाले दे रहे हैं हमारे। अच्छा, राम दयाल उर्फ नादू डायरेक्ट पद हेतु 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा हे बाप दुखी घर पे भूखी रोए रही अम्मा, और देखो बेटा कहा कर रो है भैया, और बेटा गोबर धन की वो छोरा गोबर धन की दे रहे है परिक्रमा, बेटा गोबर धन की
अरे भैया गोपाल जी रामनगर से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा और बेटा गोबर धन की दे रहे है परिक्रमा, आप ही बताइए वो परिक्रमा कभी सफल हो सकती है? जो बच्चा अपने माँ बाप को एक गिलास पानी का भर के ना दे और वो तीर्थ करने के लिए चला जाए तो वो तीर्थ कभी सफल हो सकते हैं? हाथ उठा करके बताइए सभी। जब कहा देखिए चार लाइन दे रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की? भैया खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की? और अरे वक्त पे न देवे साथ, वक्त पे न देवे साथ, किस किस के जोड़ू हाथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की? और कहा मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, ऐसे व्यक्तियों से फरियाद किस काम की? क्या मीठी मीठी बात करे, मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, ऐसे व्यक्तियों से फरियाद किस काम की? और लाइन अगर सबके दिल को छू जाए तो जितने भी श्रोता बंधु यहाँ पर बैठे सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा पहले लाइन सुन ली, क्या ऐसे व्यक्तियों से फरियाद किस काम की? और अरे माता पिता के, माता पिता के, माता पिता के आंसू न पोंछ सके, तुम्हें ही बता दो औलाद किस काम की? तुम्हें ही बता दो औलाद किस काम की? जब कहा हे बाप दुखी घर पे भूखी रो रही अम्मा, और बेटा गोबर धन की दे रहे हो परिक्रमा, लेकिन कहा क्यों पुण्य को खोते हैं, क्यों पुण्य को खोते हो तुम पाप के चरणों में? क्या और क्यों पुण्य को खोते हो, क्यों पुण्य को खोते हो तुम पाप के चरणों में? और सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं। जिसे हम और आप भगवान कहते हैं, मंदिर में बैठा है, क्या मंदिर में बैठा है कोई देव न दूजा है? जो मंदिर में बैठा हुआ है वो कोई और नहीं है, वो भी हमारे तुम्हारे जैसा है, लेकिन उसने कर्म किया है। क्या अरे मंदिर में बैठा है कोई देव न दूजा है, और उसने कर्म क्या किया है? वो उसने भी तो कीनी और माँ बाप की पूजा है, फोन में लग रहे हो, बाप है चाहे कितना बुखार आ रहे हो, चाहे मरे हो धरे हो, और जो कह दे के लल्लू एक गिलास पानी को ले आइयो तो ऐस मानो जैसे कुत्ता घुर रहा है पर रहो। आज का समय है, पहले बेटे पूतन में पूते रत्न कुमार पूत भय आ रहे, चलो शीश पे तो उठे सत्य न खाई है। पहले बेटे कैसे थे, पूतन में पूते रत्न कुमार पूत भय आरब चलो शीश पे तो उधे सत्य न खाइए, और अरे पूतन में पूते हनुमत से पूत भय देवर देतन से जंग घूम जाइए। क्या पूतन में पूते हनुमत से पूत भय देवर देतन से जंग घूम जाइए। और अगर लाइन अच्छी लगे तो फिर से तालियों का आशीर्वाद। और अरे पूतन में पूते श्रवण कुमार पूत भय माता पिता की कावर कंधा पे उठाइए, माता पिता की कावर कंधा।
नैन भिगोते हैं माँ आपके चरणों में, हम नैन भिगोते हैं माँ आपके चरणों में। और ये आप सब लोग ही बताएंगे, सब तीर्थ होते हैं कहाँ। मेरी आवाज तो तुम से ज्यादा आ रही है, बताओ मेरी आवाज ज्यादा कैसा आ रही है तुमको। अच्छा माए कह जबई तो कह में काओ की खुशियां देख के दुनिया फसना है। हाँ सही है, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। एक से बढ़कर का पुरस्कार गुप्त दान 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार संजय मास्टर जी रामनगर से, 51 रुपए का पुरस्कार लेख राम डॉक्टर जी रामनगर से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा अब सुनिएगा लास्ट बार क्या ना चारों धाम मिले, लास्ट बात है, घबराओ मत, रात घर की गवैया घर के तुम्हें कहां जानो, बम्बई पहुंचनो। कहा भैया ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, अगर हमारे नसीब में चारों धाम नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक कर्म जरूर करना। क्या ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, और कर्म क्या करना है, हो माँ बाप के चरणों का, हाँ माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, माँ बाप के। और देखो तुम टाइम की कह रहे, समय तो सबको आना है ठीक है, पर एक बात वो ध्यान आ गई, आदमी वही है भाई, आज के जमाने में आदमी से आदमी की बात करे आदमी, क्या आदमी वही है भाई, आज के जमाने में आदमी से आदमी की बात करे आदमी, और आदमी ने आदमी को आदमी तब ही माना, आदमी के संग दिन की रात करे, क्या आदमी ने आदमी को आदमी तब ही माना, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी। और ये बात तो उस परमात्मा को भी बुरी लगती है, क्या भैया आदमी ने आदमी को आदमी तब ही माना, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी। और अरे कहते परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा, आदमी के संग में जो घात जब कहा हो ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, और माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। और देखिए आप सभी तो मेरे गुरु मेरे पिता के समान है मेरे लिए, अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। जब कहा हम शब्द सजोते हैं गुरु आपके चरणों में, हम शब्द सजोते हैं गुरु आपके चरणों में, और सब तीरथ हाँ सब तीरथ हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप।